टक्कर नहीं है, गोकुल सेतिया जीतेगा 20,000 प्लस से। चार चार पार्टियां इकट्ठी हो गई, फिर भी गोकुल भाई की कोई, फिर भी ये जीतेगा। गोकुल सेतिया एक साफ छवि का नेता है। हर गरीब आदमी को, 36 बिरादरी को उम्मीद है कि भी गोकुल सेतिया ही बनना चाहिए। भी हाथ आए हाथ मजबूत हो, क्यों कमल का फूल मुरझा गया। कांग्रेस को पलड़ो भारी है, गोकुल सेतिया बढ़िया छवि को थोरो है। सेतिया का लगा कंडन जगह कांग्रेस पार्टी से, वोट इनको कोई देता नहीं, कांग्रेस को देंगे। सेतियो आओ फिलहाल, मतलब कांग्रेस का चांस है। गोकुल तो जीतने की उम्मीद है, माना जीताणो है, माहौल एक तरफ ही है जी। सेतिया साहब गोकुल सेतिया जीतेगा, अभी तक तो गोपाल कांडा की लग रही है जी। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं रितु पटेल। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। इस वक्त हम सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गांव साहू वाला सेकंड में मौजूद हैं। यहां हम इन जनता से जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है। अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार रहेगी? कांग्रेस ही। टक्कर किसकी लग रही है? टक्कर गोपाल कांडा और इसकी बीजेपी और कांग्रेस, टक्कर दो ही है। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? कांग्रेस का। क्या कुछ विकास कराए थे बीजेपी सरकार ने इन 10 सालों? पिकिंग कौन करे, विकास फेल है जमा। क्या उम्मीद करते हैं आने वाली सरकार से? ठीक रहा जी, गांव के विकास को लेकर। हाँ जी। पड़ा किसका भारी लग रहा है? कांग्रेस को। टक्कर? टक्कर आंदो आंगी है। सिरसा का अगला विधायक कौन होगा? सेतिया। टक्कर किसकी लग रही है? टक्कर तुम्हारे तो दो ही है, देखे दो ही है। पड़ा किसका भारी लग रहा है? सेतिया का लग रहा है। क्या कुछ विकास करवाएंगे आपके गांव में? बहुत तो भाई मने बाद में देखो के मन करावे के ना करा, कांडा करावे विषय करा दिया के ब्रो, कांडो तो कभी गम ही को नहीं आयो। बीजेपी सरकार ने क्या कुछ विकास कराए थे इन 10 साल? घने गिरे बीजेपी ने, कांडा नहीं जगह बीजेपी ने जगह वोट मना को से करवाओ पहले के ब्रो। अभी पहले तो भाई आनो जानो ठीक हो, अब बन जाओ तो मेरे को। किस पार्टी से उम्मीद करते हैं? कांग्रेस पार्टी से। आने वाली पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं विकास को लेकर? हम ये करते हैं सेतिया की, भी हाथ आए हाथ मजबूत हो, क्यों कमल का फूल मुरझा गया। ये बताओ मांगी में गिरोल है, मौको मिलना चाहिए, कहना चाहिए ठीक है जी, ये हमारी तो ये उम्मीद है, आपको मजबूत करो। दोनों मुकाबला चल रहा है, किसकी लगती है जीत होगी? अभी तक तो गोपाल कांडा की लग रही है जी हमारे। क्या कुछ विकास कराई बीजेपी सरकार ने 10 साल? बहुत अच्छा विकास कराया जी। अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की। क्या कुछ विकास कराए थे बीजेपी सरकार ने 10 साल? विकास कुछ क्या कराया, आप ही देख लो कोई है वो विकास भान तो दिखे कोड़ी। घर आई हुई लक्ष्मी कोई नहीं ठुकराता, वोट इनको कोई देता नहीं, कांग्रेस को देंगे, एक तरफा मोल है। आने वाली पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं? कांग्रेस आएगी जी, बढ़िया काम करेगी, पीछे भी किए हैं, बढ़िया काम करेगी। टक्कर किसमें लग रही है? टक्कर नहीं है, गोकुल सेतिया जीतेगा 20,000 प्लस से। तो दुख सुख में आता है, सुख में तो कोई बुलाता है तो समय पर आता है, और दुख में तो उसको पता लग जाता है उसी समय उसके घर में पहुंच जाता है। सबसे बड़ी तो इसकी ये खूबी है, जो किसी के घर में दुख हो जाता है ना, ये पहुंचता है गोकुल सेतिया। और ये तो 15 दिन पहले आए हैं, इनका तो कोई पड़ोसी भी मर गया ना तो भी नहीं है। इसके तो कोई गांव में गरीब से गरीब भी किसी प्रकार का नुकसान हो गया तो आया। पीछे यहाँ फुलका के पास नाली टूटी, ये आपने वीडियो देखा है, उसमें नाली में खुद अपने कट्टे उठाकर पानी में गंदा हाल हो रहा था, उसमें मंत किए तो वहाँ पर खड़े खड़े काम कर रहा था। हाँ जी, किसान आंदोलन का मुद्दा देख लो, जो ये टंकी पर नारायण खड़ा पर बैठे थे 4 आदमी, ये वहाँ पर जितने दिन धरना चले उस दिन से लेकर लास्ट तक वो बैठे रहे, सेवा में लगे रहे। तो गोकुल से उम्मीद है जी हमें, पूरी उम्मीद है जी। हर गरीब आदमी को, 36 बिरादरी को उम्मीद है कि भी गोकुल सेतिया ही बनना चाहिए। युवा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, और इसको काम करने की तरकीब भी है। उधर बमूर मानियर जो भी है, इधर मोचियाली मानियर है, इसकी उम्मीदें थी सिरसा के अंदर अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, गरीब की जो पास पैसा नहीं है उसका फ्री में इलाज हो। और वो पीछे बीमारी आई थी कोरोना में, कोरोना ने इसने दिन रात काम किया, गरीबों की सेवा की। इसने तो इसके नाने के नाम पर एक हॉस्पिटल बना रखा था, उसको भी हाथों हाथ तैयार करके वहाँ गरीबों को शिफ्ट करना चाहता था, लेकिन सरकार ने इनकी मानी नहीं। गोकुल सेतिया एक साफ छवि का नेता है।
और बहुत बढ़िया काम करेगा और हर मान लो दुख सुख में साथ रहता है भी, कोई काम हो एक बार इतना है भी उनको फोन जाना चाहिए, लेकिन वो उस टाइम गोकुल सेतिया तैयार मिलता है। लेकिन गोपाल कंडा हो या गोविंद कंडा हो, उनको फोन कर लियो चाहे कुछ कर लियो, वो आते नहीं हैं, वो सिर्फ एक महीना आते हैं और गांव में कुछ काम नहीं हुआ। क्या उम्मीद करते हैं कांग्रेस सरकार से गांव के विकास? उम्मीद तो करे कि बीजेपी दे साल 9-9.5 हो गई लठ दे रखे मार दो किसान सारा है बीमा पीसा भरा दे बीमो कौन दे टंकी पिछड़े मेरा बीमो कौन दे जितनी उम्मीद करी पा उम्मीद पर खरी कोनी उतरी। अब के करो किसान के करो मजदूर के करो और गोकुल सेतिया अभी नुआ छोरो है अरे किरो भी सरकार बदलिया राज बदलिया किरो बात बनी जिया कोई किसान गए कोई मजदूर गए कोई कहीं हक में फैसलो दे ही दे नए बदलो तो आगे कोई और देखा ना दे नए कराओ तो कोई और के करा फिर विकल्प तो ही है और तो कोई नहीं ऐ तो इकट्ठा हो गया सारा सेतियो आओ जवान छोरो है काम करे वो और कांडो तो 5 साल हुआ है 5 साल का माँ आगे दे लेगी आपको खरीद के जानते रहे बस आता ही बोलेंगे आप अब टूटे है वोट आओ बीजेपी का नहीं समर्थन करियो नहीं भी बीजेपी में जावांगा जद लोग किसान बिदक क्या पर फेर ही को नहीं आ रहा है। अच्छा वोटों जीते को 4 बीजेपी बीएसपी इन लो अलोपा 4 पार्टियां इकट्ठी हो गए फिर भी गोकुल भाई की कोई हरियाणा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे फिर भी ये जीतेगा 20,000+ से जीतेगा कोई नहीं हराएगा और मंत्री बन के आएगा गांव में काम करेगा विकास करेगा अच्छा मिलता। मैं भाई साहब से 5 साल पहले मिला था और मैं जब कांग्रेस पार्टी में था तो भाई साहब ने वहाँ इधर ताश खेल रहे थे हमें भाई साहब आया बोले भाई साहब जब भाई साहब बीजेपी में लोकसभा चुनाव थे मेरे को बोले अब आज अब मैं ना भाई साहब कांग्रेस ही हूँ कांग्रेस को ही वोट देंगे उसके बाद मेरे को मिले ना तो भी अच्छे नाम से जानते हैं इतना है इनका माइंड हर चीज़ दिमाग पे रखते हैं ये और बहुत बढ़िया नेता है ये काम करेगा अच्छा काम करेगा विकास करेगा हरियाणा सिरसा जिला को उन्नति की ओर लेके जाएगा ये बीजेपी सरकार ने क्या कुछ विकास किया काम चलो करे बाकी अब एक माहौल बन रहे ना कांग्रेस का मतलब पीछे लोकसभा में विधान सीटा अच्छी आई बाकी काम करे बाकी अब फिलहाल मतलब कांग्रेस का चांस है। मैं तो गोकुल ने देंगे गोकुल तो जीतने की उम्मीद है माने जीताणो है काम की भी कोई करोगा जो कोई काम की उम्मीद है कराओगा जद फिर सोचा कोई और मिलेड़ो तो मैंने कोई प्लाट है कोई की कौन मिलेड़ो पर मारी जारदा राड़ा है हमें तो नहीं गोपाल कांडे ने पर चो लिख लिख के चौक पर दई ही मारी कोई सुनावनी कौन करी लुगाई लुगाई खड़ी गई के चौकों पर फिर मैं इंगली खातर के सब सफाई कर गए मारी प्लाट कटनी चाहिए सब दो दो पांच पांच दस दस मरला जगह रोक रखे मैंने कुटलो गिरना जगह को नहीं है सबकी सफाई हो गए सब ने लकड़ी गिरना जगह नहीं कुटलो गिरना जगह नहीं सबकी बराबरी होना चाहिए गरीबान सब ने प्लाट मिलना चाहिए सब ने जगह होना चाहिए एक एक मकान मिलना चाहिए। को लेकर गांव में किस तरह का माहौल चल रहा है? माहौल एक तरफा ही है जी सेतिया साहब बीजेपी सरकार ने क्या कुछ विकास किए इन 10 साल विकास के कई सीट ही ले गया मैं तो आप बीजेपी माँ वोट घटा गया मैं तो आप कांग्रेस ज्वाइन करी हाँ आप बीजेपी ने यार वोट अब सीट ही ले गया पहले तो धीरे फिर टिकट ठीक हो चली कोई हाल थोड़ी है। क्या उम्मीद करते हैं गोकुल सेतिया? गोकुल सेतिया विकास करे वो छोर होने आ रहे हैं सारे दिन आगे रहे हर मर्द प्रदर्शन में आगे रहे आंदोलन बटे रोज आंदो बाबड़ो गांव में सुख दुख में मरिया खप्पे ब्याह शादी सारा हुए वो कांडो तो आज आया 4 दिन वो दे गए नहीं लकड़ दे गए खड़िया करके लकड़े अगर छातरी तो लगी को नहीं मेरे जाने पाड़ गए और ले जाओ 5 तारीख ने देखो छात लाग जिया के रह जिया के माहौल इक तरफ है। अब की बार हरियाणा में किसकी सरकार रहेगी? गोकुल से कांग्रेस की रहेगी गोकुल सेतिया जीतेगा। क्या उम्मीद करते हैं गोकुल सेतिया? विकास करेगा शहर का गांव का सभी विकास करेगा उचित रूप से। बीजेपी सरकार से क्या उम्मीद मतलब क्या कुछ विकास किया 10 साल? गोपाल कांडा ने यहाँ सिरसा के अंदर कुछ ही नहीं किया है गलियां देखी नहीं है आप अभी
तो गलियां इसी तरह की गलियां 5 साल में एक बार नहीं आता, बस एक दिन आता है वो अपना कुछ कह के चले जाता है बस। कांग्रेस की सरकार चावा, कांग्रेस को लड़ो भारी है, गोकुल सेतियो बढ़िया छवि को थोरो है, बढ़िया काम करे वो, अच्छा सरसम सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया बनाओ, कॉलेज बढ़िया बनाओ, वो अच्छा नाला खड़ा बढ़िया बनाओ, जमींदारा और मान के चाहिए। सरकार ने क्या कुछ विकास किया जेपी में तंग आ रहे हमें तो